सभी भक्त इतने सिंसियर हैं और प्रभु मुझे आज 3-4 भक्तों के घरों में ले गए थे। सभी के घरों में इतने सुंदर विग्रह हैं, इतनी सुंदर उनकी सेवा होती है, तो ये सब देख के मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो प्रभु जी आज गोल्डन टेम्पल भी लेके गए थे तो वहाँ पर प्रभु जी ने दिखाया किस प्रकार से वो किचन है उनका, किस प्रकार से सेवा होती है। तो मैं सोच रहा था कि आज किस विषय पर प्रवचन किया जाए, तो चूंकि मैंने आप सभी में इतना अच्छा सेवा भाव देखा और हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि अमृतसर में जिस प्रकार से आपको प्रसाद खिलाया जाएगा वैसे पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। और फिर मैंने पूछा कि प्रभु जी जो प्रसाद ग्रहण करने की जो लालसा है वो लोग भी अमृतसर में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, सबसे शौकीन लोग अमृतसर में ही हैं। तो स्वर्ण मंदिर में भी हम गए थे, वहाँ भी देखा कितने अच्छे से सेवा की जाती है। तो मैं सोच रहा था कि भगवान की सेवा होती है या फिर उनकी सेवा करने की इच्छा होती है, ये सभी चीज़ें हमें शास्त्रों से मालूम होती हैं। और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो प्रभु जी ने तो कह दिया कि अमृतसर जैसा कहीं नहीं होता है, तो आज हम देखेंगे कि गोलोक में किस प्रकार से राधा रानी सेवा करती है भगवान की। क्या अमृतसर वालों से कंपटीशन हो सकती है? देखा जाए। तो प्रवचन के शुरुआत में हम कुछ तत्व के बारे में शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि समय नहीं है, एक ही घंटे का समय है। और थोड़ा तत्व समझने के बाद राधा रानी का, उसके बाद में एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है हमारा आनंद वृंदावन चंपू, जो कि कवि कर्णपुर इनके द्वारा लिखा गया है। कवि कर्णपुर जो हैं हमारे संप्रदाय में एक बहुत ही उच्च कोटि के कवि समझे गए हैं, तो उनके द्वारा ये आनंद वृंदावन चंपू नाम के ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें कि ब्रज के बहुत ही मधुर लीलाओं का वर्णन आता है। तो आइए सबसे पहले राधा रानी के बारे में कुछ जानेंगे। एक चैतन्य चैतामृत आदि लीला से एक श्लोक उद्धृत करूंगा, तो उसके बाद में हम आनंद वृंदावन चंपू में जो रस से परिपूर्ण लीला है, राधा रानी किस प्रकार भगवान की सेवा करती हैं, कैसा उनका सर्विस एटीट्यूड है जो कि हम सब के लिए आदर्श होना चाहिए, तो उसकी चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये श्लोक संख्या है चैतन्य चैतामृत आदि लीला 4.60। तो अगर आप में से कोई फोन में खोल के देखना चाहते हैं वेदाभ्यास में तो देख सकते हैं।
सीसी आदि लीला 4.16। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन हो रहा है। तो राधा रानी भगवान की राधिनी शक्ति है। तो श्लोक इस प्रकार से है, लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो चैतन्य चरितामृत में जो सेक्शन है इसमें वर्णन हो रहा है कि राधा रानी किस किस प्रकार से भगवान की सेवा करती है, उनके क्या गुण हैं। तो बताया जाता है कि राधा रानी के मुख्य रूप से दो फंक्शंस हैं या दो कार्य करते हैं वो। एक तो है लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। तो भगवान को, भगवान कृष्ण को आनंद आस्वादन कराती हैं श्रीमती राधा रानी। तो भगवान जिस भी प्रकार से आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं राधा रानी को पूर्ण रूप से पता रहता है कि किस प्रकार उसको किया जाना चाहिए, उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो राधा रानी जानती है। तो जितना आनंद श्रीमती राधा रानी कृष्ण को दे सकती हैं उतना और कोई देने में समर्थ नहीं। इसलिए हम सब श्रीमती राधा रानी के उदाहरण से सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जानी चाहिए। तो पहला तो राधा रानी का फंक्शन ये हो गया, महत्वपूर्ण फंक्शन, कि कृष्ण को आनंद आस्वादन करते हैं। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। और दूसरा है लादिनी द्वारा करे भक्तेरा पोषण। तो भक्तों का पोषण भी लादिनी शक्ति या श्रीमती राधा रानी के द्वारा होता है। तो भगवान को आनंद आस्वादन करवाना और जो भक्त हैं उनका पोषण करवाना, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य श्रीमती राधा रानी के द्वारा होते हैं। तो हम सब भक्त हैं, साधना कर रहे हैं और साधना करते हुए कभी कभी भक्ति में आनंद आता है और कभी कभी लगता है कि अरे कहाँ फंस गए, अब तो बाहर भी नहीं जा सकते। तो जब आनंद आता है, जितना भी आनंद आता है वो आनंद श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही आता है, राधा रानी के द्वारा ही संभव है। तो जो बद्ध जीवात्मा होता है, बद्ध जीवात्मा का नेचुरल आकर्षण जो होता है वह संसार की वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आकर्षण डेवलप करना बहुत ही कठिन है। और जब कभी कभी थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है और मन में एक मन प्रफुल्लित हो जाता है कभी कीर्तन सुन के, कथा सुन के, भगवान का सुंदर दर्शन लेकर, तो समझना चाहिए कि ये लादिनी शक्ति या श्रीमती राधा रानी की कृपा के द्वारा ही है। श्रीमती राधा रानी थोड़ा सा कुछ तो भी एक हिंट देते रहती है कि बद्ध जीव को भी थोड़ा सा आनंद मिलता है, तो अगर शुद्ध हो जाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। तो प्रवचन प्रारंभ करने के पहले एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो विषय वस्तु है राधा रानी के बारे में या फिर गोपाल हम आनंद वृंदावन चंपू से जो चर्चा करेंगे, तो ये तो बहुत ही सुंदर रस से परिपूर्ण है। पर मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी प्रयास करूँगा क्योंकि प्रभुपाद का आदेश है कि आचार्यों की पुस्तक पढ़ी जाए और भक्तों के साथ चर्चा की जाए। तो जिस प्रकार से अगर एक मंदिर है, मंदिर का जो शिखर होता है, अगर मंदिर के शिखर के ऊपर एक कौवा बैठा है तो वो तो गरुड़ नहीं बन जाता। अगर भगवान कृष्ण के मंदिर के शिखर के ऊपर कौवा बैठा है तो वो गरुड़ नहीं बन जाता, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण के मंदिर के ऊपर बैठा है। उसी प्रकार अगर कोई व्यासा संघ में बैठा है तो
वह क्वालिफाइड नहीं हो जाता सिर्फ व्यासासन में बैठने से, उनके पास वो गुण भी होना चाहिए। तो हम उसी कौवे की तरह है पर प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई त्रुटि होती है तो आप क्षमा कर देना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट हो गए। तो इसमें कहते हैं प्रभुपाद कि भक्ति से ही भगवान के पास जाया जा सकता है, भक्ति से ही भगवान जो है आकृष्ट होते हैं। तो अभी ये जो भक्ति है ये कैसे आती है हमने श्लोक में देखा, और आगे भी चैतन्य चरितामृत में इसकी चर्चा होगी। आप चाहते तो बाद में इसको इसका अध्ययन कर सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही यह भक्ति आती है और कृपा मिलती है, जिससे कि भगवान के प्रति भी आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। तो प्रश्न आता है कि अगर कृष्ण परम सत्य हैं तो उनको और कुछ करने की आवश्यकता क्या है? अगर कोई चीज़ परफेक्ट है तो उसमें कोई ऐड करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक पेंटिंग है, एरिस्टोटल वो उदाहरण देते हैं, वो तो पाश्चात्य फिलोसोफर है, तो पाश्चात्य फिलोसोफर का ये मत है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो परम सत्य है उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो कैसे लीला कर सकते हैं? जैसे कि एक पेंटिंग है, कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा है, पहले वो पेंसिल से बनाते हैं एक आउटलाइन, फिर उसमें कलर भरते हैं, फिर उसको और फाइनल फीचर्स देते हैं, पॉलिश करते हैं, और एक समय में आके वो पेंटिंग जो है एकदम परफेक्ट हो जाती है। अगर उसमें और कुछ ऐड करेंगे तो खराब हो जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी। तो अगर भगवान परम सत्य हैं तो बस परम सत्य है तो अकेले रहना चाहिए ना आराम से, लीला करने की क्या आवश्यकता है? कोई बोल सकते हैं भगवान लीला क्यों करते हैं अगर वो परम सत्य है? वो तो पूर्ण है, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए, और आपके बोल रहे थे तो अच्छा, भक्तों को आनंद देने के लिए और कुछ, भक्तों को आनंद देने के लिए और कोई विचार? हाँ जी बोलिए बोलिए, गलत होगा तो सुधार लेंगे। हाँ कि ट्रेलर देते हैं ना कि गोलोक में क्या होता है, विस्मृति जी से हमारी जो स्मृति को कायम करने के लिए, जागृत करने के लिए, या आध्यात्मिक जगत में आपकी यही कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन थी, आपकी संवैधानिक स्थिति ये थी, उसकी झलक वृंदावन में आती है जी। और फिर तो सारे उत्तर सही है, भक्तों को आनंद देने के लिए, उसके बाद में याद दिलाने के लिए कि गोलोक में क्या होता है, जिससे कि कुछ इंस्पिरेशन तो मिले इनको गोलोक जाने का, नहीं तो इंस्पिरेशन क्या है वहाँ जाने का। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो उसके पीछे दो कारण होते हैं, दो कारणों के लिए ही कार्य किए जाते हैं। पहला होता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, मतलब दुखों से निवृत्ति के लिए। दूसरा होता है आत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, मतलब सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्रवृत्ति के लिए। इन दोनों कारणों के लिए ही कोई भी व्यक्ति कार्य करते हैं। तो हम भी हमारे जीवन में देखेंगे तो यही दो कारण होते हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं दुख की निवृत्ति के लिए
कुछ कार्य किए जाते हैं सुख की प्रवृत्ति के लिए। तो भगवान तो दुख और सुख से मुक्त है, फिर भी वो कार्य करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जैसे आपने सर ने कहा कि भगवान लीला करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए और टेलर दिखाने के लिए, तो इसका एक और कारण है, उनको खुद भी तो आनंद चाहिए ना। तो इसलिए तो हम सबको उन्होंने बनाया है, जिससे कि हम उनसे आनंद प्रदान करें और उनको भी आनंद दें। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान आनंद लेने के लिए लीला नहीं करते हैं। उनको जब आनंद होता है तो उससे लीला प्रकट हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति जो है खुश होने के लिए डांस करते हैं, और भक्त जो होते हैं खुश होते हैं इसलिए डांस करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जो है उनके आनंद, वो आनंदित हैं इसलिए उसे लीला प्रकट होती है। और ये जो लीला है उससे सारी शिक्षाएं जो हैं प्राप्त हो जाती हैं। जितने भी वेदांत में, उपनिषद में आदि स्रोतों में और संसार के अलग अलग अन्य धर्मों में भी जो शिक्षाएं दी जाती हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका अध्ययन करने से वही सब शिक्षाएं को प्राप्त हो सकती हैं। तो राधिकाष्टक हम सब लोग गाते हैं, तो उसमें जो पहला श्लोक है, कुमकुमाग्रकाञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनाञ्चिताब्ज गन्ध कीर्ति निन्दि सौरभ वल्लवेश शोणु सर्व वाञ्छितार्थ साधिता मह्यमात्मा पाद पद्मा दास्य धास्तु राधिका। तो इस बहुत ही सुंदर राधिकाष्टक के पहले श्लोक में कहा गया है, पहले वर्ष में, बल्लवेश शुणु सर्व वाञ्छितार्थ साधिका, मतलब शी इज फुली क्वालिफाइड टू फुलफिल ऑल डिजायर्स ऑफ द सन ऑफ द किंग ऑफ कॉवर्ड मैन। श्रीमती राधा रानी जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं नंद महाराज के पुत्र, उनके सारे जो डिजायर्स इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। बल्लवेश शुणु सर्व वांछितार्थ साधिक, जो भी वांछाएं हैं सर्व वांछितार्थ और उसको साध्य करने में श्रीमती राधा रानी सबसे निपुण हैं। तो जैसे कि हमने चैतन्य चैतामृत के श्लोक में ये देखा कि श्रीमती राधा रानी भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, और दूसरा क्या है, भक्तों को भी पोषण देती है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा करती है और उनका किस प्रकार से जो सर्विस एटीट्यूड की बात की जाती है, सेवा करने की जो इच्छा और प्रवृत्ति है, वो हम कैसे राधा रानी से सीख सकते हैं कि कैसे सबसे उत्तम प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा करती है। तो हमारे गौड़ीय शास्त्रों में संस्कृत में एक तो गद्य होता है, गद्य मतलब एक प्रोज स्टोरी फॉर्म में होता है, फिर होता है पद्य मतलब पोएट्री, और एक तीसरा प्रकार होता है उसको कहा जाता है चंपू। चंपू होता है जो कि प्रोज और पोएट्री का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें प्रोज होता है फिर पोएट्री आ जाती है फिर वापस प्रोज आता है, उसको कहते हैं चंपू। तो गौड़ीय वैष्णव हमारे संप्रदाय में दो चंपू हैं, एक है गोपाल चंपू जो कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, और दूसरा है आनंद वृंदावन चंपू जो कि कवि कर्णपुर इन्होंने लिखा है। तो आज हम आनंद वृंदावन चंपू किसने लिखा है, कवि कर्णपुर
उन्होंने लिखा है। तो उसमें से हम देखेंगे कि एक बार किस प्रकार से नंदग्राम के जो सारे निवासी हैं उनको बरसाना में आमंत्रित किया जाता है एक भव्य भोज के लिए, और किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी उसमें कुकिंग करती है, क्योंकि आज दिन भर बहुत कुकिंग का और सेवा का बहुत चर्चा हो गया, तो मैं सोचा कि कुछ तो बोलना ही पड़ेगा इसके बारे में। तो ये निमंत्रण उत्सव की लीला है जो कि कवि कर्ण पूर्ण बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णित करते हैं आनंद वृंदावन चौक। तो एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण का जन्मदिन था, ये पोगंड लीला की बात है, और महाराज नंद ने इतने भव्य तरीके से उस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया कि पूरे ब्रज के लोग उसमें आए थे, पूरे ब्रज के जो भक्त हैं सबको इनवाइट किया था, सब लोग आए थे वहाँ पर, और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए किस प्रकार से महाराज नंद ने इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है इस उत्सव का। तो जब राधा रानी के पिता कौन थे, वृषभानु, तो वृषभानु महाराज ने जब ये देखा तो वो भी सोच रहे थे मुझे भी एक बार सारे ब्रज के लोगों को या फिर एटलीस्ट नंदगांव के लोगों को पहले बरसाना में बुलाना चाहिए। तो उनके मन में ये बात बैठी हुई थी और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो मुहूर्त आएगा जब मैं नंद महाराज, कृष्ण, बलराम, उनके सभी गोपाओं को और अन्य नंदग्राम वासियों को बुलाऊंगा एक भोज के लिए। फिर एक दूसरी घटना हुई थी जब राधा रानी अपनी पौगंड लीला में थी, नहीं पौगंड नहीं और भी एक अपनी बाल्यावस्था में थी। तो एक बार जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक टॉय किचन रहता है ना उनके पास, छोटी सी कढ़ाई, छोटा सा गैस, छोटा सा चम्मच, सब लोग खेलते हैं उससे, छोटा सिलेंडर, उस समय सिलेंडर की आवश्यकता है, तो उससे वो ऐसे कुछ कुछ बनाते हैं और फिर मम्मी को खिलाते हैं कि खाओ, सबने खेला। तो ऐसे राधा रानी कुछ बना रही थी टॉय किचन में, छोटी सी वो बालिका थी अपने मित्रों के साथ में, अपने ये सब उनका खेल चल रहा था। तो खेल खेल में श्रीमती राधा रानी ने इतने सुंदर व्यंजन बनाए, लड्डू बनाए, पूरी बनाई, जलेबी बनाई और कुलचा नहीं बनाए तो ये सब चीज़ें बनाई। और फिर राधा रानी की माँ का नाम जिसको पता है कीर्तिदा, तो कीर्तिदा उनको देख रही थी कि मेरी बेटी क्या कर रही है, अच्छा ठीक है बना रही है। तो कीर्तिदा ने राधा रानी को बोला कि अरे जरा मुझे थोड़ा सा दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तो राधा रानी ने थोड़ा सा सैंपल दिया कीर्तिदा को और वो खा के कीर्तिदा जो है राधा रानी की माँ वो आश्चर्यचकित हो गई कि अरे मेरी जो बेटी है इतनी छोटी है, बालिका है, पर इस प्रकार का सुस्वादु भोजन में आज तक नहीं है। तो बरसाने में जो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं वो भी इस प्रकार नहीं बना सकती। तो उन्होंने वृषभानु महाराज को कहा कि आपकी जो बेटी है वो तो बहुत ही एक्सपर्ट कुक है, मास्टर शेफ है। तो वृषभानु महाराज ने बोला कि मुझे भी थोड़ा दिखाओ कैसा है। तो वृषभानु महाराज ने भी थोड़ा सा चखा और वो भी आश्चर्यचकित हो गया, अरे मेरी बेटी में इतना अच्छा गुण है रसोई करने का, मुझे तो पता ही नहीं। तो मुझे ज़रूर नंद महाराज को, कृष्ण को और नंद ग्रामवासियों को एक बार बुलाना चाहिए और राधा रानी को बोलना चाहिए कि आप उनके लिए रसोई करिए और उनको खिलाइए। तो ये बात भी वृषभानु महाराज के मन में बैठी हुई थी। तो ये दोनों बातें उनके मन में बैठी हुई थी। फिर कालांतर में एक समय आया जब मुहूर्त आया, प्रॉपर मुहूर्त, जब वृषभानु महाराज ने सोचा
कि अभी समय आ गया है कि कृष्ण को नंद महाराज को और नंदग्राम वासियों को बरसाने में आमंत्रित किया जाए। तो राधा रानी को कहा गया आप आपकी सखियों के सहित बरसाना आइए। उस समय राधा रानी का विवाह हो गया था, वो जागृत में थी, और राधा रानी की जितनी भी सखियाँ हैं उनका सभी का विवाह जावट में ही हुआ है, सबका ससुराल जावट में। मायका अलग अलग स्थान पर है, जैसे अष्ट सखियों के आठ अलग अलग गांव हैं, और सबका ससुराल कहाँ है? जावट में। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछेगा इस गोपी का ससुराल कहाँ है, तो एक ही आंसर है, जावट में। तो राधा रानी को कहा गया कि आप आपकी सब सखियों के साथ में बरसाने आई हैं और हम कृष्ण नंद महाराज उनको आमंत्रित करने वाले हैं, उनके लिए आप रसोई कीजिए, बहुत ही बड़े भोजन का आयोजन होने वाला है। तो राधा रानी बहुत ही आनंदित हो गई और उन्होंने कृष्णानु महाराज को कहा कि आप थोड़ा ग्रोसरी का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, तो सबसे बेस्ट जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो ला के रखिए। तो शुभानु महाराज कई कई महीनों पहले से वो ग्रोसरी का अरेंजमेंट कर रहे थे। फिर जब राधा रानी वहाँ पर आती हैं बरसाने में, तो शुभानु महाराज उनको ले जाते हैं। एक बड़ी बड़ी रसोई की व्यवस्था की गई थी राधा रानी के लिए, और एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस बनाया गया था जिसमें अलग अलग प्रकार के जो राशन की सामग्री है वो रखी गई थी। तो और आनंद वृंदावन चंपू में बहुत ही अच्छा वर्णन आता है किस प्रकार से सिस्टमेटिक हर चीज़ रखी गई थी, जहाँ पे जिस चीज़ को होना चाहिए उसी जगह वो थी। ऐसा नहीं कि आटा निकालने जाएंगे तो नमक निकल आएगा, ऐसा नहीं था। तो और जो भी बेस्ट आइटम है वो सब राधा रानी ऋषभानु महाराज ने वहाँ पर स्टॉक करके रखे थे, जैसे केसर कश्मीर से लाया था, सांभर पाउडर तमिलनाडु से लाया था, छोले मसाला अमृतसर से लाया था। तो इस प्रकार से तो राधा रानी जब जाती है देखने के लिए तो पूछती है कि अरे पिताजी आपने सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लाए कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता मत करिए, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ला के रखें। तो भगवान की जब सेवा की जाती है, चाहे भगवान की सेवा हो या भक्तों की सेवा हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट है कि सबसे बेस्ट तरीके से वो की जानी चाहिए। हमारे जो भी हमारे लिए बेस्ट संभव है, सबके लिए अलग अलग संभव है बेस्ट, पर हमारे लिए जो बेस्ट संभव है उस प्रकार से की जानी चाहिए। और भक्त जो होते हैं भगवान के, उनसे उनके उदाहरण से हम सीखते हैं किस प्रकार से वो सेवा करते हैं। जैसे चैतन्य लीला में वर्णन आता है एक राघव पंडित थे, तो उनको चैतन्य महाप्रभु को कोकोनट देना था, तो उन्होंने अपने सेवक को बोला कि जाओ जरा कोकोनट तोड़ दे लो पेड़ में से। तो लेके आ रहा था, तो जैसे वो घर के अंदर लेके आ रहा था तो जो दीवार के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ये जो रहता है दीवार के ऊपर का हिस्सा, उससे वो टच हो गया कोकोनट। तो राघव पंडित को गुस्सा आ गया, अरे तुमने उसको कंटेमिनेट कर दिया। तो वैसे तो जैसे हम सब्जी लाते हैं मार्केट से या कुछ भी लाते हैं राशन, और सब्जी तो देखते हैं कैसे पड़ी रहती है, सबके चरणों में पड़ी रहती है, फिर भी हम उसको ला के धो के तो भगवान को ऑफर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कंटेमिनेट हो जाती है, उसको शुद्ध करते हैं। पर भगवान के भक्तों के उदाहरण से सीख सकते हैं कि उनकी चेतना कैसे रहती है परफेक्शनिस्ट की। तो कोकोनट दरवाजे को टच हो गया तो वो अभी ठीक नहीं रहा, उसको छोड़ दो। तो इस प्रकार से राधा रानी भी बहुत ही केयरफुली सबसे अच्छा जो आइटम है वो लेके आई थी इस भोज पे। तो इस प्रकार से इस भोज की तैयारी हो गई थी। तो अभी सीन चेंज करेंगे बरसाना से नंदग्राम। तो नंदग्राम में क्या हो रहा है? तो नंदग्राम में संध्या का समय है, संध्या में भगवान गोचारण से वापस आए हैं, और जब भगवान
गोचारण के लिए चले जाते हैं तो सभी नंदग्राम के वासी वेट करते रहते हैं, अरे कब आएगा कब आएगा। तो जब संध्या का समय होता है तो वो लोग खड़े रहते हैं, जिस डायरेक्शन से भगवान आने वाले होते हैं उस डायरेक्शन में ताकते रहते हैं, कब आएगा कब आएगा। और फिर जब समय हो जाता है तो पहले उनको दिखता है कि आकाश में कुछ धूल उड़ रही है, क्योंकि भगवान की नौ लग गए तो सब एक साथ चलती है, धूल उड़ती है, गोधूली बेला। तो जितने भी स्नान बताए गए हैं शास्त्रों में उसमें एक स्नान ये भी है, गोधूली में स्नान करना, उससे पवित्र हो जाते हैं। तो वो दूर से देखते हैं कि धूल का बादल एक उठ रहा है और सभी जो ब्रजवासी है जिनके प्राण चले गए थे, क्योंकि भगवान प्राण चले गए थे, मतलब इस प्रकार से वो हो गए थे जैसे प्राण चले गए, तो उनके प्राण वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि भगवान आए वापस, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। उसका बहुत अच्छा वर्णन है कैसे भगवान आते हैं और कैसे मिलते हैं और कैसे जो वृक्ष और पक्षी पशु यमुना जो कि भगवान चले गए थे इसलिए स्थिर हो जाते हैं, वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं। तो भगवान आते हैं यशोदा माँ के सामने, घर में आ गए, अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा, तो घर में आ जाते हैं और यशोदा माँ को बोलती है कि लाला कल गोचारण के लिए नहीं जाना है तुमको। तो लाला का तो बहुत एटीट्यूड है, वो तो सिंपल व्यक्ति नहीं है। तो बोलते हैं क्यों नहीं जाना है, तो बोलते हैं कि अरे बरसाने से इन्विटेशन आया है। तो लाला बहुत आनंदित हो जाता है, बरसाने से राधा नदी से मुलाकात होगी, फिर भी अपना कुछ नखरा दिखा रहे हैं, किसने बुलाया, नहीं जाऊंगा। किसने बुलाया, अरे वृषभानु महाराज ने बुलाया है, राधा रानी भी होगी वहां पर, नहीं नहीं जाऊंगा। यशोदा बोलती है क्यों नहीं जाओ, नहीं किस किस को बुलाया है, मेरे मित्रों को बुलाया है क्या, कि सिर्फ मुझे अकेले को बुलाया है और आपको बुलाया है। तो यशोदा माँ बोलती है कि कुछ गोपों को बुलाया है, सबको नहीं बुलाया है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, नंदग्राम में तो लाखों लाखों गोप रहते थे, तो बहुत सारे गोपों को बुलाए हैं, सबको नहीं बुलाया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अगर सबको बुलाएंगे तभी मैं जाऊँगा, और मेरे साथ में मेरी 9 लाख गाय उनको ही बुलाना चाहिए। तो यशोदा माँ बोलती है ठीक है फिर तुम मत आओ, तुम घर में बैठो हम चले जाएंगे। तो कृष्ण उसने ये तो उल्टा हो गया, जाना तो है, नहीं नहीं ठीक है मैं आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो भगवान सोचते रहते हैं मन में कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं अपने गोपों को तो कारण बताना पड़ेगा ना भाई, कारण बताओ नोटिस, क्यों जा रहे हो तुम, क्यों नहीं आ रहे गोचारण में, तो पूछेंगे वो तो मैं क्या बोलूँगा, मैं खाने जा रहा हूँ तुमको अकेला छोड़ दे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, कैसा है ये हमको छोड़ के अकेला खाने के लिए भागे, तो कल से हमारे साथ मत खेल। और भगवान डरते हैं अपने मित्रों से कि खेलने के लिए नहीं बुलाएंगे, तो उनके मन में ये द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ सोच रहे कि मेरे गोप जो है बोलेंगे कि गोप सखा कि भाई कल से तू खेलने मत आना भाग जाए, और दूसरी तरफ उनको राधा रानी से मिलने की इच्छा थी और यशोदा माँ भी उनको आग्रह कर रही थी। तो साक्ष्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस तीनों इधर हैं, तो उसमें से उन्होंने चूज़ किया माधुर्य रस बरसाना जाने के लिए। तो भगवान ने बोला ठीक है चले जाएंगे। तो जो गेस्ट को रिसीव करने की प्रथा है वो हम वेदों से सीख सकते हैं, जिस प्रकार गेस्ट को रिसीव किया जाता है। तो ऋषभानु महाराज ने जो फेस्टिवल आयोजित किया था बरसाना में, तो उन्होंने बरसाने से कुछ गोपियों को भेजा था, वरिष्ठ गोपियों को, कीर्तिदा की जो उनके आयु की जो गोपियां थी, कि आप नंदग्राम जाइए और वहां पर जाके उनके साथ में वापस आइए। तो बरसाने से उनको भेजा था कि अरे उधर जाओ उनको लेके आओ, तो वो लोग आए थे। तो ये जो गोपियाँ थी
इनके साथ में अगले दिन नंद महाराज, कृष्ण, बलराम, अन्य उनके मित्र और अन्य गोप, नंद महाराज के भाई, ये सब बरसाने के लिए रवाना होते हैं। तो उसके बाद में वर्णन आता है कि जब ये सब लोग बरसाने में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऋषभानु महाराज और कीर्तिदं ये स्वयं जो मेन रोड था बरसाना का महामार्ग, उसके ऊपर स्वयं खड़े नीचे उतर के रिसीव करने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने सेवकों को भेज दिया कि अरे वो आ रहा है उसको जाओ थोड़ा लेके आ जाना ऊपर, ऐसा नहीं, स्वयं गए थे नीचे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब नंद महाराज आएंगे। फिर जब नंद महाराज आते हैं और ऋषभानु महाराज को देखते हैं तो चूंकि बहुत ही घनिष्ठ उनमें मित्रता है तो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और अश्रु आने लगते हैं आंखों से, और इसी प्रकार से यशोदा, कीर्तिदा मिलते हैं और नंदग्राम के वासी बरसाना के वासियों से मिलते हैं। और बरसाना के वासियों ने पूरे जो बरसाने को सजाया हुआ था, जगह जगह पर रंगोली बनाई हुई थी और सुगंधित जल सड़कों में छिड़का हुआ था, फूल आदि घरों में लगाए हुए थे और केले के जो पेड़ हैं, पत्ते हैं, ये सब लगाए हुए थे और अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बज रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन आता है आनंद धाम जनपुर में किस प्रकार से स्वागत किया गया था। तो हम डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे पर मैं आपको सब ब्रीफ में बता रहा हूँ। इसके बाद में ये ग्रैंड वेलकम होता है नंदग्राम वासियों का और उनको बरसाने में ऊपर लेके जाया जाता है और ऊपर ऋषभानु महाराज के महल में सबके लिए अच्छे से बैठने की व्यवस्था की गई थी, स्त्रियों के लिए व्यवस्था, फिर छोटे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था, बूढ़ों के लिए अलग व्यवस्था, जिससे कि वो बैठें और बरसाना के निवासियों से कुछ प्रेम का आदान प्रदान करें भोज के पहले। तो वो सब लोग जाके बैठते हैं और आपस में चर्चा करते रहते हैं, गुह्यम आख्यति। उसके बाद में यशोदा माई की इच्छा होती है कि थोड़ा किचन देख लिया जाए, मेन कार्यक्रम तो भोज का है ना, किचन में क्या हो रहा है थोड़ा देख लिया चाहिए। तो यशोदा माता किचन में जाती है, किचन का बहुत ही अद्भुत वर्णन है, राधा रानी कुकिंग कर रही है। तो राधा रानी कुकिंग कर रही है किचन में और कवि कर्णपुर कहते हैं कि किचन में 50 स्टोव रखे हुए थे, 50 चूल्हे, और उन 50 चूल्हों के ऊपर 50 आइटम बन रहे थे। और ये सब कौन बना रहा था? राधा रानी बना रही थी अकेले, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 ही आइटम बन रहे थे, वो एक आइटम बनता था फिर उसको निकाल दिया जाता था, फिर उसी स्टोव पर दूसरा आइटम रखा जाता था। और राधा रानी को पता होता था कि अभी ये बॉईल हो गया, इसको निकालना चाहिए, अभी इसमें मसाला डालने का समय आ गया, अभी इसको तल रहे थे, इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये जो बहुत कड़क हो जाएगा, तो इसको निकाल देते हैं, ये जो आइटम है ये अभी कंप्लीट हो गया तो इसको निकाल देते हैं, नया आइटम रखते हैं। तो राधा रानी को परफेक्टली पता था कि कौन से स्टोव में क्या चल रहा है और एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में उनका कुकिंग चल रहा था। और ऐसा वर्णन आता है कि जो 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं ना स्वाद, तो राधा रानी अपने किचन में ऐसे व्यंजन बना रही थी जिसमें वो मतलब 6 प्रकार के जो टेस्ट है वो सारे व्यंजन बना रही थी। ऐसा नहीं कि 50 स्टोव में 50 तरह के स्वीट्स ही बन रहे थे, हर प्रकार के आइटम बन रहे थे वहाँ पर। तो 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, कौन से होते हैं पता है किसी को? सारे नहीं बताऊँ, कोई कोई बताऊँगा, कौन सा होता है? मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, खट्टा, और एक और बच गया आमला। आमला क्या होता है? खट्टा तो होता है पर एक और
कषाय कषाय बोलते हैं उसको, कषाय मतलब उसको खाने के बाद में ऐसा जीभ में एक अजीब प्रकार का कुछ फीलिंग आता है, उसको कषाय बोलते हैं। नींबू जो होता है खट्टा होता है, आंवला जो होता है कषाय होता है। तो ये छह प्रकार के टेस्ट के आइटम उधर बन रहे थे और राधा रानी परफेक्ट कुकिंग कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे नहीं कि चीनी की जगह साइट्रिक एसिड डाल दिया, मंदिर में ऐसा होता है, चीनी साइट्रिक एसिड एक जैसा दिखता है। तो डीटी किचन में रखा रहता है और पुजारी जाता है खीर बनाने के लिए, जल्दी जल्दी में तो रहता ही पुजारी, तो निकालता है डब्बा, वो साइट्रिक एसिड चीनी जैसा दिखता है, वो डाल कर भोग लगा देता है। फिर जब बाद में प्रसाद भक्त चढ़ते हैं तो लगता है ये स्वीट राइस जो खीर जो है ये खट्टा कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं हो रहा था, परफेक्ट सब चल रहा था। और राधा रानी इतने सुंदर तरीके से परिश्रम कर रही थी किचन में, तो उनके जो माथे पे गर्म बिंदु मतलब स्वेट स्वेट आ गया था, जिससे कि वो और भी सुंदर लग रही थी। तो यशोदा मैं देखती हैं राधा रानी को बहुत ही आश्चर्य से कि अरे ये इतनी यंग लड़की है, ये कैसे इतने एक्सपर्ट तरीके से कुकिंग कर रही है। और फिर यशोदा भाई वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट पास करती है, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन इज हर एक्सपर्टीज इन कुकिंग। एक स्त्री का जो आभूषण है भूषण है वो क्या है, उनकी रसोई में कितने एक्सपर्ट है। तो यशोदा मई का स्टेटमेंट है। तो यशोदा मई जाती है राधा रानी के पास, उनको पूछती है कि अरे राधा तुमने इतने सारे आइटम बना लिए, तुम तो इतनी छोटी सी बच्ची हो। तो राधा रानी बोलती है कि नहीं नहीं ये तो सब मैंने नहीं बनाए, ये तो मेरे कुछ मेरे मित्रों ने बनाए हैं इस प्रकार से। तो उसके बाद में जैसे राधा रानी जो कुकिंग कर रही है उसका वर्णन आता है उसमें कवि कर्णपूर्ण एक बहुत ही अच्छे एक क्या बोलते हैं मतलब प्रसाद कैसे अच्छा हो इसका एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। कवि कर्णपूर्ण चार चीज बोलते हैं कि जो प्रसाद है उसको चार कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए परफेक्ट होने के लिए। पहला है फ्रेग्रेंस सुगंध। कभी कभी भक्त प्रसाद भोग बनाते हैं वो सुगंध ही नहीं आती, उससे अरे घी डाला क्या, घी डाला है वो सुगंध नहीं आ रही, तो सुगंध होनी चाहिए फ्रेग्रेंस। दूसरा है दिखने में अच्छा होना चाहिए रूप, मतलब चपाती बनाई है तो ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए कि प्रभु ये कौन से देश का नक्शा है, या फिर पकौड़ा अगर बनाया है तो इसी साइज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पकौड़ा है। तो उसका रूप भी अच्छा होना चाहिए दिखने में। उसके बाद में तीसरा है टच स्पर्श, स्पर्श करने से अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि पापड़ है, पापड़ क्रिस्पी होना चाहिए, चपाती सॉफ्ट होना चाहिए, अभी कभी उल्टा हो जाता है, चपाती क्रिस्पी हो जाती है और पापड़ जो है सॉफ्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा है टेस्ट स्वाद, सबसे इम्पोर्टेंट। तो कभी कर्णपुर लिखते हैं कि जब वो प्रसाद मुंह में जाता है तो रस का विस्फोट हो जाना चाहिए मुंह के अंदर। और वो ये जो चार चीज़ें हैं, कौन कौन सी चार चीज़ें थी, पहला था सुगंध, रूप दिखने में अच्छा होना चाहिए, स्पर्श और स्वाद टेस्ट, है ना। कवि कर्णपुर इन चार की तुलना जो अष्टांग योग के आखिरी चार स्टेप्स हैं उनसे करते हैं। अष्टांग योग के आखिरी चार स्टेप्स कौन से हैं, प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। प्रत्याहार में क्या होता है, विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो आपके जो इंद्रियां हैं
वो जो इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उससे पूरी तरीके से कट जाते हैं। तो कवि कर्ण पूर्व कहते हैं कि जब प्रसाद की सुगंध नाक में प्रवेश करती है तो भक्त का प्रत्याहार हो जाना चाहिए। आसपास में क्या चल रहा है सबसे प्रत्याहार हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद में ही चित्त लगना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है धारण। धारण मतलब एक उच्च कोटि का कॉन्सेंट्रेशन या एकाग्रता, एकाग्रचित होना। तो जब भी प्रसाद का रूप देखते हैं तो धारण हो जाना चाहिए, एकाग्रचित हो जाना चाहिए भक्त को। तीसरा है स्पर्श। तो भक्त जब स्पर्श करता है, पेट में आ जाता है, स्पर्श करता है तो क्या होना चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। और आखिरी जब टेस्ट है तो क्या हो जाना चाहिए, समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। समाधि का, समाधि की डेफिनेशन क्या है मैं नोट किया हिंदी में, जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रह जाता है तो उसे समाधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब भक्त को और किसी वस्तु का ध्यान नहीं होता है, प्रसाद के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान का भोग बनना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से भोग बनाने में संलग्न। तो यशोदा मई की इच्छा होती है कि रोहिणी, रोहिणी भी रहती है वहाँ पर, रोहिणी कौन थी, तो उनको बुलाती हूँ कि अरे इधर आके देखो तो राधा रानी कैसे कुकिंग कर रही है। तो रोहिणी आती है और देखती है, अरे बेचारी छोटी सी लड़की कितनी मेहनत करवा रहे हैं उसको, अच्छी बात नहीं। तो वो कीर्तिदा को बुलाती है, बोलती है अरे तुम्हारी छोटी सी लड़की है तो 50 स्टोव में लगा दिया तुमने तो उसको, हालत खराब हो गई उसकी, ऐसा क्यों किया। तो कीर्तिदा कहती है हमने नहीं बोला उनको, खुद से कर रही, उनकी इच्छा है। फिर कीर्तिदा उनको एक सरप्राइज देती है, आपको लग रहा है कि 50 स्टोव में कुकिंग हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं, गोल्डन टेम्पल का किचन कुछ नहीं है उसके सामने, अब ये मेन किचन मैं दिखाती हूँ आपको, जो लाखों लाखों जो नंदग्राम के वासी आए हैं ना उनके लिए दूसरा किचन है जहाँ पे हजारों स्टोव रखे हुए हैं और जो बरसाना के जितने भी निवासी है वो वॉलंटियर कर रहे हैं, जैसे कि गोल्डन टेम्पल में वॉलंटियर कर रहे हैं और वो लोग हजारों स्टोव के ऊपर वो लाखों लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं। तो उनको कीर्तिदा रोहिणी को और यशोदा को वो वाला किचन दिखाने ले जाती है जिसको देख के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। हजारों स्टोव रहते हैं उसके ऊपर हजारों बरसाना के वासी कुकिंग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस कुकिंग का वर्णन आता है, इस प्रकार से भगवान के और भक्तों की सेवा में एकदम उच्च कोटि से सेवा की जाती है। उसके बाद में यशोदा मई बोलती है कि ठीक है अभी कुकिंग तो होने को आ गया तो अभी थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं प्रसाद का। तो सर्विंग टीम अलग होनी चाहिए है ना, वाइंड अप टीम अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेचारा वही कुकिंग करेगा, वही सर्विंग करेगा, वही वाइंड अप करेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो अभी राधा रानी ने कुकिंग कर लिया, उनको सर्विंग नहीं करना चाहिए, थक गए। कीर्तिदा बोलते हैं कि नहीं, जो विशिष्ट अतिथि हैं जैसे नंद महाराज, कृष्ण बलराम और उनके जो बहुत निकट के गोप, उनको सर्विंग राधा रानी ही करेंगे। तो अभी आपने यशोदा मई का एक स्टेटमेंट सुना था पहले, क्या था वो, हाँ यस। तो अभी कीर्तिदा माँ इनका भी स्टेटमेंट आप सुन ली, राधा रानी की माँ कहती हैं, ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन इज हर नॉलेज ऑफ हाउ टू सर्व प्रसाद। प्रसाद सर्विंग करना भी एक कला है, ऐसा नहीं कि बिठा दिया और इतना बड़ा चम्मच से ये डाल के ये दूध पेट के ऊपर, ऐसा नहीं। ऐसे एक बार की बात है, हम उड़ुपी गए थे,
तो उडुपी में एक मठ में हम कुछ मुंबई से कुछ ब्रह्मचारी गए थे उडुपी, तो वहाँ पे एक जो मठाधीश है 8 मठों के, उन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि आप मठ में आके प्रसाद दीजिए, जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण हैं वो आपके लिए विशेष भोज बनाएंगे मुंबई निवासियों के लिए। तो हम बहुत खुश हो गए, वाह चलो। तो वहाँ पे गए बैठे और हमारे भक्त बहुत उत्साहित रहते हैं सर्विंग के लिए, तो हमारे जो हम कमलोचन प्रभु के साथ बैठे उस समय, कमलोचन प्रभु पूछा प्रभु जी सर्विस करते हैं सर्विस चलो, तो उनको प्रभु जी बोला नहीं नहीं तुमको पता नहीं सर्विस कैसे करनी है, तुम बैठो और खाओ और देखो वो लोग कैसे सर्विस करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग बैठे हैं तो वो ब्राह्मण आ रहे हैं और रसम और चावल लेके आए सबसे पहले, और इतना सा रसम और चावल दिए, तो हम लोग बोले कि यार ये किस प्रकार का भोज है, तो मजा नहीं। तो वो तो फटाफट खा लिया हमने, बाद में फिर वेट कर रहे थे क्या होगा, फिर वापस से कुछ मिनटों के बाद वापस से रसम और चावल लेके आए, हमने सोचा यही फीस्ट है क्या। तो कुछ लोग कुछ लोगों ने आशा छोड़ दी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई और दे दो रसम चावल ही खाना, इतना जो पेट तो भरे। तो कुछ लोगों ने इतना रसम चावल दे दिया खा गए, और उसके बाद में एक के बाद एक, एक के बाद एक नए आइटम आना चालू हुए। हम सोचते हैं कि ये पहले से प्लान था क्या। तो उसके बाद में वो अलग अलग सब्जियाँ जो नॉर्थ में मिलती नहीं उस प्रकार की सब्जियाँ, और उनका वो बड़ा आया और वो छोटा सा उत्तपा आया और डोसा आया और ये आया वो आया, और आखिरी में सबसे आखिरी में उन्होंने बोला कि आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो इसलिए हमने आपके लिए पूरणपोड़ी बनाई। भाई पहले बोलना था रसम चावल के पहले। तो हमने सीखा कि हर चीज़ कैसे पहले थोड़ी थोड़ी देते हैं वो लोग, और थोड़ा सा संयम रखना होता है, तो संयम रखेंगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो ये सर्विंग करना भी एक कला है, ऐसा नहीं कि जैसे जब एक बार की बात है हम जुहू में थे प्रसाद सर्विंग हो रहा था, तो हलवा सर्विंग कर रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी हलवा सर्विस कर रहे थे और मेरे पड़ोस में मेरे मित्र बैठे थे दूसरे ब्रह्मचारी, तो इन्होंने मजाक में जो सर्विंग कर रहे थे उनको बोल दिया अरे आज तो मैं बहुत हलवा खाऊंगा। तो जो सर्विंग कर रहे थे उन्होंने 2-3 बड़े बड़े स्पून उनकी प्लेट में दे मारे आराम से, अरे मजाक कर रहा था इतना कैसे खाऊंगा। तो कीर्तिदा सुंदरी कहती हैं कि सर्विंग करना ये कला है और एक स्त्री का आभूषण है जो इस कला को जानते हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है प्रसाद की सर्विंग की, पर इसके पीछे संदेश ये है कि भले कोई भी सेवा हो उसको परफेक्टली करना चाहिए, हमारी जितनी भी योग्यता है परफेक्टली करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी प्रसाद आरंभ होता है, अभी तो पूरा हम वर्णन नहीं कर पाएंगे इसका, एक 5 मिनट में इसको विराम देंगे, पर प्रसाद अभी प्रारंभ होता है, और प्रसाद के लिए बैठने की भी एकदम परफेक्ट व्यवस्था थी वहाँ। ऐसे नहीं कि भाई वो प्रसाद के लिए बैठने के लिए जा रहे हैं और बीच में पतेला रखा था उसमें वो आके गिर गया उसके ऊपर, ऐसा नहीं। पतेले एक साइड रखे हुए थे और दरी अच्छे से बिछाई हुई थी और सबके लिए एक स्थान था कि बूढ़े इधर बैठेंगे, स्त्रियां इधर बैठेंगी, बच्चे उधर बैठेंगे। तो राधा रानी जहाँ पे सर्विंग करने वाली थी सबसे पहले रत्न महाराज को बिठाया जाएगा, उनके साइड में बलराम बैठेंगे, फिर कृष्ण बैठेंगे, कृष्ण के साइड में मधुमंगल बैठेंगे, और फिर और सखा बैठेंगे, और फिर दूसरी लाइन में वो कौन बैठेगा ये सब डिसाइडेड था। तो ये सब लोग अभी बैठ गए प्रसाद के लिए, और मधुमंगल जो है वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर हैं कृष्ण लीला में, जहाँ पे वो भी जहाँ पे मधुमंगल रहते हैं वहाँ पे हास्य रस होते हैं। तो मधुमंगल बैठे थे और वो वेट कर रहे थे कि बहुत हो गया भाई बेटा, अभी लाओ अभी सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है।
तो अभी लेके आओ, बस बहुत हो गया। तो सब लोग बैठे थे और एक एक करके सर्विंग के पहले सब जो पात्र थे जिसमें अलग अलग आइटम रखे थे वो राधा रानी ने और भी इनकी मेरे ख्याल से राधा रानी और धनिष्ठा सखी इन दोनों को सर्विंग का इंचार्ज बनाया गया था। तो ये दोनों को बोला कि आप सब जाइए और सब जितने भी आइटम हैं सब सामने रख दीजिए, फिर एक एक करके सर्विस प्रारंभ होगा। तो मधुमंगल देखा था कि क्या क्या बना है और वो देख के तो इतना आनंदित हो गया कि वो उठ के नाचने लग गए। तो अभी तो सर्विंग स्टार्ट नहीं हुआ है, मधुमंगल उठ के नाचने लग गए और कृष्णा उनके साइड में बैठे। कृष्णा सोचा है कि मेरी तो इज्जत चली जाएगी कैसे, मेरा दोस्त है ना, लोग क्या बोलेंगे, किसको उठा के लेके आए, इसने कभी जीवन में कुछ खाया नहीं क्या। तो मधुमंगल को बोलता है नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, ये कोई तरीका है क्या। तो कृष्णा मधुमंगल को बोलते हैं तुमको मालूम नहीं मेरी प्रतिष्ठा ब्रज में, लोग क्या बोलेंगे किसको उठा के लेके आ गए। मधुमंगल बोलते हैं मालूम है आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, तो मुझे प्रसाद को ग्लोरीफाई करने दो, टेंशन मत लो। तो मधुमंगल बोलते हैं कि मेरी तो इच्छा हो रही है कि मेरे 1000 मुख होने चाहिए जिनसे मैं जिसने ये प्रसाद बनाया है उनकी प्रशंसा करूं। और वैसे 1000 नहीं, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ मुख से मैं खाना चालू कर दूंगा और बाकी मुख से ग्लोरीफाई करूंगा प्रसाद का। तो जो प्रसाद अच्छा बनता है तो भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। तो मधुमंगल कह रहे थे कि मधुमंगल नाच रहे थे, बोल रहे थे कि मेरा तो इतना इच्छा हो रहा है कि इसको मैं कुछ गीत वगैरह लिखूँ इसके बारे में कैसे अच्छा सा बनाया है, और स्वयं महालक्ष्मी ने इसका कुकिंग किया है, श्रीमती राधा रानी की जय, ऐसा बोल के नाच रहे थे। तो फाइनली फिर प्रसाद प्रारंभ होता है और कृष्ण के कंधे पे उनका तोता बैठा रहता है, उनका नाम था शुक। तो भगवान कृष्ण भोजन ले रहे थे और कुछ अन्न के कण उस तोते को शुक को खिला रहे थे, वो इधर बैठा हुआ था। तो भगवान ऐसे अन्न के कुछ कण लेते थे और उसको खिलाते थे ऐसे। और आपने तोते को अगर देखा होगा, अगर वैसे नहीं देखा है तो टीवी में या कहीं देखा होगा, और तोते का नेचर होता है वैसे गर्दन ऐसे ऐसे करता है हमेशा, देखा ऐसे ऐसे करते हैं गर्दन। तो ऐसे वो राइस तो खा रहा था अन्न, तो उस गर्दन ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यशोदा मई उसको देखती है तोते को, बोलती है अरे द्विजराज आपके मन में आज क्या है। तो जो पक्षी होता है उसको द्विजराज कहा जाता है क्योंकि उसका पहला जन्म जो होता है वो माँ के गर्भ से होता है अंडे के रूप में, दूसरा जन्म जो होता है अंडे से बाहर निकल के होता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है, ट्वाइस बॉर्न। तो यशोदा मई शुक को बोलती है अरे द्विजराज आप कुछ कहना चाहते हो क्या, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो मधुमंगल बैठा था साइड में, तो द्विज है ना, उनको लगा कि यशोदा मई मुझे बोल रही, द्विजराज भरी असेंबली में मेरे को यशोदा मई कुछ कहने के लिए कह रही, इतना बड़ा सम्मान। तो एकदम से मधुमंगल वापस से खड़ा हो जाता है। कृष्णा बोलता है कि अभी तो बैठा था वापस खड़ा हो, अब क्या करेगा। तो मधुमंगल कहते हैं आज आप सब लोगों का जीवन सार्थक हो गया है क्योंकि इतने वर्षों के बाद आप समझ गए हैं कि मैं कितना बड़ा ब्राह्मण हूं, तो आज आपका जीवन सार्थक हो गया, अब मैं कुछ बोलूंगा। तो यशोदा मई बोलते अरे बैठ जा नीचे, मैं तोते से बात कर रही हूं। तो तोता भी कोई साधारण तोता है, कृष्ण का तोता। तोता बोलता है शुक, शुक कहते हैं अरे तुम अपने आप को बहुत बीच बोल रहे हो मधुमंगल, तुमको तो इतना भी बुद्धि नहीं है, तुम अभी बोल रहे थे कुछ समय पहले कि ये जो प्रसाद है ये स्वयं महालक्ष्मी ने बनाया है, ये तो राधा रानी ने बनाया है जो कि सब महालक्ष्मियों के स्त्रोत है, ये थोड़ी महालक्ष्मी ने बनाया है।
तो इतना भी आपको तो बुद्धि नहीं है, आप कैसे आप द्विज हो, आप कोई द्विज विज नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। तो इस प्रकार से हास्य और विनोद हो रहा है प्रसाद लेते समय, और भी लीला है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान की सेवा सबसे उत्कृष्ट रूप से की जानी चाहिए, और भक्तों के लिए जैसे प्रभुपाद कहते थे कि राधा रानी इज द एम्ब्लेम ऑफ अ प्योर डिवोटी, मतलब शुद्ध भक्तों में जो कि एम्ब्लेम, जो कि एक क्या बोलते हैं हिंदी, एक प्रतीक है शुद्ध भक्ति का, वो राधा रानी है। तो राधा रानी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की सेवा करने के लिए वो कितने फोकस रहते हैं और किस प्रकार से अच्छी वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अमृतसर में हमने बहुत अच्छा उदाहरण देखा किस प्रकार से सेवा होती है स्वर्ण मंदिर में, और आप सब भक्त हैं, आप भी बहुत निपुण हैं भक्तों की सेवा करने में। तो भक्तों की कैसे सेवा की जाए, कैसे उनका आशीर्वाद मिले, ये जितनी भी शिक्षाएं हैं हम भक्तों के उदाहरण से और स्वयं राधा रानी के उदाहरण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जो ब्रज की लीलाएं हैं ये तो सुनने में बहुत मधुर लगती हैं, पर इनको सुन के जो गूढ़ से गूढ़ शिक्षाएं हैं उनको हमारे जीवन में उतारा जा सकता है। तो अगर इन लीलाओं के ऊपर हम चिंतन करेंगे तो जितने भी गूढ़ विषय हैं भक्ति के बारे में सबको समझा जा सकता है और हमारे जीवन में उतारा जा सकता है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा हुई थी कि किस प्रकार वो भगवान को आनंद प्रदान करने में सबसे निपुण है और भक्तों का पोषण करने में भी फैसिलिटेट करती है भक्तों का पोषण। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कुछ ये गुण हमें भी आ जाएं, कि आप सब इतने अच्छे भक्त हैं, आप सब हमारे लिए प्रार्थना करिए और हम भी आप सबके लिए गिरिराज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भी राधा रानी के चरण चिन्हों में चल के भक्ति करने में निपुण बने और इसी जीवन में भगवान के धाम को, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। आपको कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप बोल सकते हैं।